जिस व्यक्ति का बुरा समय चल रहा हो, ना लक्ष्मी घर में आ रही हो, रोग बीमारी पड़े हुए हो, कोई तकलीफ ही तकलीफ आ रही हो, बहुत कष्ट महसूस हो रहा हो, परिवार में शांति रत्ती भर की ना हो, तो कितना सुंदर कहा, एक लोटा पानी लीजिए, उस पानी में 5 पीपल के पत्ते डाल दीजिए। कितने पत्ते? 5। थोड़ी सी काली तिली डाल लीजिए, थोड़ा सा हल्दी का गट्टा, हल्दी जो सूखी एक गट्टे में आती है ना, हल्दी की गांठ, उसका थोड़ा सा टुकड़ा उस कलश में डाल लीजिए। और जिस व्यक्ति का समय गड़बड़ चल रहा हो, लक्ष्मी नहीं आ रही हो, बीमारियां बनी हुई हो, दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, बस वो पानी को लेकर जाओ जिस व्यक्ति को ज्यादा कष्ट है, और पानी ले जाकर शंकर जी के ऊपर वो चढ़ा दीजिए। और जब शिव जी पे जल चढ़ जाए, वो 5 जो पत्ते आपने बेल उसके पीपल के डाले हैं, उस पीपल के पत्ते को उठाकर वापस अपने ऊपर जल का सिंचन कर लीजिए महाराज। आपको 3 दिन में अंतर मालूम पड़ जाएगा कि आपके तारे बनना चालू हो जाएंगे और आप रोग से मुक्त होना चाहेंगे। कभी लगे गुरुदेव आज हमारे को बहुत थकान लग रही है, शरीर बेकार लग रहा है, सिर दर्द हो रहा है, शरीर में बेकार बहुत कष्ट उत्पन्न हो रहा है, पीपल के पत्ते की 5 पत्ते पीपल के थाली के अंदर रखो और उस पे भोजन करो, शंकर जी का कुंद का ईश्वर महादेव का नाम लो। कौन से महादेव? एक बार जम के बोलिए, कुंद का ईश्वर। कुंद का ईश्वर महादेव का नाम लेकर भोजन करना प्रारंभ करो। 15 से 20 मिनट लगते हैं, हमारे टेबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर दर्द बंद, शरीर कितना भी दुख रहा हो उसमें आराम लगना प्रारंभ हो जाए। कुंद का ईश्वर महादेव का नाम सुख की अनुभूति करा, शरीर के रोग को मिटाने का।